वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। इस वीडियो में अपन 50 क्वेश्चन बेस्ट एशियन हिस्ट्री के करेंगे जो रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और मेनली इसको अपन एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि अपन को पता नहीं रहता कहाँ से पूछे हैं। तो मेनली मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन डाले हैं जो मेनली एग्ज़ाम में अपन नहीं कर पाते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग फोर संबतास। तो इसका प्रॉपर सिक्वेंस क्या हो जाएगा? साका एरा क्या कब आया था? 78 AD में। और सेकंड क्या हो जाएगा? गुप्ता एरा कब आए थे? 318 AD में, 318 AD में। और जो हजीरी एरा था वो आया था 622 AD में। और जो ग्रेगोरियन एरा है वो कब आया था? अक्टूबर 1582 में। और जो ग्रेगोरियन एरा है उसको मेनली नाम किसके ऊपर रखा है कि पोप ग्रेगोरी 13 के नाम पे इसको रखा गया है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो जाएगा? इसका प्रॉपर सीक्वेंस हो जाएगा क्या? पहला साका एरा, फिर गुप्ता एरा, हजीरी एरा एंड देन ग्रेगोरियन एरा। एक्चुअली क्या इसमें करेक्ट आंसर दिया नहीं है तो इसको मैंने बता दिया। सेकंड, द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन वाज। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, फेली एगिलिटेरियन। सेकंड, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वाज। करेक्ट आंसर है राजा वन। विच अमंग विच स्टेटमेंट ऑन द हरप्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक्स। फिफ्थ, द ग्रेट सिल्क रूट टू बी इंडियन वॉज ओपनड बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कनिष्का जो कुशान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द फर्स्ट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतवाहना डायनेस्टी। और मेल नीचे फर्स्ट टाइम जिसने ये ग्रांट टैक्स फ्री विलेजेस स्टार्ट किया था वो उनका किंग का नाम था, रूलर थे वो गौतमी पुत्र सतकर्णी फर्स्ट। सेवेंथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, सुलभा सूत्र। एट्थ, यवानिका और कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। इट्स करेक्ट आंसर इज थर्ड, ग्रीक। वॉट इंस्पायर द पेंटिंग ऑफ अजंता। इट्स करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, कंपैशनेटेड बुद्धा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। करेक्ट आंसर इज थर्ड, दारियस फर्स्ट। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविका चितम्मनी इन तमिल एसोसिएट। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जैनिज्म। हु वर द फर्स्ट किंग टू इश्यू गोल्डन कॉइन इन इंडिया। इट्स करेक्ट आंसर इज सेकेंड, इंडो ग्रीक। हु एस्टैब्लिश्ड महाबलीपुरम। इट्स करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पालवास। गांधर स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। इसका करेक्ट आंसर सेकंड, करेक्ट आंसर है सेकंड, महायाना सेक्टर। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन एक्सकलेवेटेड इन इंडस वैली, विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज सेकंड, सील्स। हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धा बुद्धिज्म इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकैरिनेशन ऑफ गौतम बुद्ध। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, मैत्रेय। 17, हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, नागार्जुना, अश्वघोषा, बासुमित्र। विच रूलर बिल्ड द एलोरा टेम्पल। इस करेक्ट आंसर इज राष्ट्रकूटास। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेंड टू। इस करेक्ट आंसर इज सेकंड, बुद्धिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस बाय आर्यन। इस करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ब्लैक स्मिथ। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्केर सिंध इन
द ईयर, इसका करेक्ट आंसर है 1712 AD। एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, आंसर सेकेंड। 23rd, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फाउंड इन द एक्सक्लेवेशन ऑफ हरप्पन साइट, इस करेक्ट आंसर इज नॉट फाउंड, तो इसका करेक्ट आंसर है टेम्पल विथ सिकर। विच अमंग द फॉलोइंग मठ इज रिलेटेड विथ बुद्धिज्म, इस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट दकमा। वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा हैज बीन इंस्टॉल्ड, इस करेक्ट आंसर इज बामियन फर्स्ट। 26th, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एशियन कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुज्म ऑफ टुडे इज प्रूवन बाय द वर्शिप ऑफ, इस करेक्ट आंसर इज सेकेंड स्टोन ट्री एंड एनिमल। हाउ वॉज वर्मा नोन टू एशियन इंडिया, इस करेक्ट आंसर इज थर्ड सुवर्ण भूमि। 28th, विथ होम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएट, इस करेक्ट आंसर इज रुद्रमल। अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट आंसर इज सेकेंड इंडस रिवर। 13th, प्रिंस इलेरा कॉन्केयर श्रीलंका इन 2nd century BC, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ द्रविड़ा रूलर वॉज ही एसोसिएट, इस करेक्ट आंसर इज सेकेंड चोला। Which of the following domesticated animal was absent in Terracotta of the Indus Valley civilization? Its correct answer is third cow. The greatest development in the Kushana period was in the field of, its correct answer is obviously art. Second, the total of Alexander the Great was. Alexander ke teacher the wo kaun the? Its correct answer is fourth Aristotle. Which among the following literary work belong to classical Sanskrit literature? Iska correct answer is third Meghadutam. 35. Charak was the famous court physician of, iska correct answer is fourth Kanishka. The language used to write source material in ancient time was, correct answer is second Pali. Most of the Chola temple was dedicated to, first Ganesha, second Shiva, third Durga, fourth Vishnu, iska correct answer is Shiva. Bull in the Buddhism is associated with which event of Buddha life, iska correct answer is first birth. 39. Which of the following would be most accurate description of Mauryan monarchy under Ashoka? Iska correct answer is first Guptas. Whose achievement are recorded in Allahabad Pillar inscription? Its correct answer is second Samudragupta. The initial feature of the Indus Valley civilization was, iska correct answer is organized city life. Arabic was defeated in 1738 AD by, correct answer is Chalukyas. Who was the author of the Kadambari, great romantic play? Correct answer is first Banabhatta. Saint Thomas is said to have come to India to propagate Christianity during the region of, correct answer is second Parthians. The people of Indus Valley civilization usually build their houses of, iska correct answer first Pakka house. The monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism was, correct answer second Upagupta. Which of the following statement about the Gupta is not true? First, they ruled mainly over part of North and Central India. Second, the kingship was hereditary and the throne always went to the elder son. The third, the judicial system was more developed than it earlier time. Land tax increase and tax on trade and commerce decrease. Correct answer is second. The kingship was hereditary and the throne went to the eldest son.
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व्ड ऑन सारनाथ पिलर. इस करेक्ट आंसर इज सेकंड डियर. ए कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज बाय हरसा वॉज हेल्ड इन ऑनर ऑफ ह्यून तशेन. थर्ड आंसर. 15th सतवाहना मिंटेड देयर कॉर्न प्रीडोमिनेंटली इन. इस करेक्ट आंसर इज लेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. और ये मेरी मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा नर्वस था वीडियो बनाने में. नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि सही तरीके से सब कुछ समझाऊँ और आपको बेटर फील कराऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.